हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस इन डेसिमल एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। सेकंड, द रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। ओके, सो यहाँ पर तीन क्वेश्चंस हैं जो हमको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमें ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है, देन सेकेंड वन इज रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, फिर हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से किसका पैरामीटर ज्यादा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम ट्राइंगल सॉल्व करते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स सारे साइड को इसमें हमें प्लस करना पड़ता है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो यहाँ पर 5/2 प्लस 2/3/4 प्लस 3/3/5। ओके, सो पहले जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2s are 8, 9 10 11, 11/4 प्लस 3 5s are 15, 15 plus 3 is 18, 18/5। अब यहाँ पर हमारी जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे क्या आए हैं? अलग आए हैं। सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अपने ये जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करना पड़ेगा। आपको तो पता ही है कि कैसे हम अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, एलसीएम लेके। सो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ओके, सो यहाँ पर 2 4 5, 2 1s are 2s are 5, 2 1s are 5 and 5 1s are, सो यहाँ पर 2 into 2 into 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20, सो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 20। सो 5 2, 2 की टेबल में 20 कितने जा आता है? 10 जा, सो ऊपर भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन, 11/4, 4 की टेबल में 20 कितने जा आता है? 5 जा, वेरी गुड, तो ऊपर भी हम 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस का साइन, 18/5, 5 की टेबल में कितने जा 20 आता है? 4 जा, सो ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 का करेंगे। ओके, सो 5 10s are 50, 2 10s are 20, प्लस 11 5s are 55, 5 4s are 20, प्लस 18 into 4 कितना होता है? 72/20। सो यहाँ पर हमने सारे डिनोमिनेटर्स को सेम कर लिया है। ओके, सो हम सारे डिनोमिनेटर्स को कॉमन ले लेंगे। ओके, अब ये जो ऊपर वाले हैं हम इनको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सो 50, 55 and 72, 5 और 2 7, ओके यहाँ पर 177। सो ये हमारा ट्राइंगल का क्या निकल गया? पैरामीटर निकल गया। ओके, ए का पैरामीटर निकल गया ट्राइंगल का। देख लीजिए कैसे निकला है, बहुत ही आसानी से हमने निकाल दिया। अब हम किसका पैरामीटर निकालेंगे? अब हम निकालेंगे रेक्टेंगल का पैरामीटर। ओके, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 into L plus B। ओके, सो 2 का 2 लेंथ हमको कहाँ देकर रखी है? ओके, सो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है। सो 2 3/4 प्लस 7/6। मिक्स फ्रैक्शन को हम सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 2 4s are 8, 8 प्लस 3 कितना होता है? 2 4s are 8, 9 10 11, 11/4 प्लस 7/6, 2। अब हम एलसीएम को वापस से जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 4 और 6 का। 2 2s are 3s are, 2 1s are
and 3 ones are. So 2 into 2 into 3. 2 twos are 4, 4 threes are 12. 2 twos are 4 and 4 threes are 12. 12, okay. So 11, 4. 4 ki table mein 12 kitne jaata hai? 3 za. So par bhi 3 ka multiplication sign plus ka. 7 upon 6. 6 ki table mein 12 kitne za? 2 za. Aur upar bhi multiplication 2 ka karenge. Okay. So 2. 11 3 za. 33. 4 3 za. 12. Plus 7 2 za. 14 upon 6 2 za. 12. 2, okay, so 12 का 12 common ले लेंगे हम, अब 13 और 14 कितना होता है, 33 plus 14, 7, 4, 47, so 47, कितना आया LCM, 47 upon 12, okay, so यहां से यहां into हो जाएगा, means कट जाएगा, okay, so 2 और 12 कट जाएगा, 2 की table में 12 कितने जाता है, 6 जाता है, ओके सो हमारा कितना है 47 अपॉन 6 ये किसका पैरामीटर आ गया हमारा रेक्टेंगल का ओके दोनों का निकाल लिया ओके सो हमें थर्ड क्वेश्चन में बोला गया था कि किसका पैरामीटर ज्यादा है ओके सो हम यहां पर लिख लेते हैं यहां पर हम लिख लेते हैं हमारा ये रेक्टेंगल का पैरामीटर है 47 अपॉन 6 और ये हमारा ट्रायंगल का थर्ड क्वेश्चन है सेकंड ओके और यहां पर ये ट्रायंगल का कितना आया था हमारा ट्रायंगल का 177 अपॉन 20 है ना ओके सो अब यहां पर सेम वही बात है यहां पर इन दोनों का हमें डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा और सेम कैसे करते हैं हम एलसीएम लेंगे सो वापस से हम एलसीएम लेंगे सो यहां पर ये काम करते हैं मैं यहां पर एलसीएम ले लेती हूं 6 and 20 किसकी टेबल से जाएगा 2 की टेबल से कर लेते हैं 2 3s and 10s 2 5s okay so 3 1s 5 1s so 2 into 2 into 3 into 5 2 2s 4 3 5s 15 okay 5 4s 20 4 1s 4 5 6 60 हमारा LCM कितना आ गया 60 आ गया ओके सो 47 अपॉन 6 6 के टेबल में कितने 6 कितने जा 60 आता है 10 जा सो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई 10 कर देंगे है ना सो 177 अपॉन 20 यहां पर कितने जा 60 आएगा 2 3 जा सो ऊपर भी मल्टीप्लाई हम 3 का कर देंगे है ना सो 6 10 जा 60 470 और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे जगह में यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 177 into 3 3 7s are 21 3 7s are 21 22 20 3 7s are 21 22 23 3 1s are 3 4 5 551 531 upon 60 ओके सो आप यहां से देखकर ही पता लगा सकते हैं कि किसका पैरामीटर ज्यादा है किसका पैरामीटर ज्यादा है यस ट्रायंगल का सो हेंस ट्रायंगल हैज ग्रेटर पैरामीटर देन रेक्टेंगल ओके सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक यू फ्रेंड्स